क्या आप मेरी 22 साल लंबी क्रिकेट पारी का राज जानते हैं? भगवान की कृपा और सुरक्षा का पूरा ख्याल। बैटिंग करते समय मैं हमेशा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनता हूँ ताकि चोट ना लगे। कोका कोला में आप भी छोटी या बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। मेरी सलाह है, हमेशा सेफ्टी गियर पहनकर ही काम करें, तभी मेरी तरह लंबी पारी खेल सकोगे। याद रखिए, आप सुरक्षित हैं तो परिवार सुरक्षित है। मेरे दोस्त मिस्टर जिम्मेदार आपको सुरक्षित काम करने की जानकारी देंगे। धन्यवाद सचिन। और दोस्तों, मैं हूं मिस्टर जिम्मेदार। तो आपने जाना, सचिन की शानदार लंबी पारी का असली राज। यदि सुरक्षा पर ध्यान देंगे तो हम भी अपने जीवन और काम को सुरक्षित कर सकते हैं। कोका कोला के वेयर हाउस में आपका स्वागत है। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही सख्त है। ऐसे चेकिंग चल रही है जैसे पुलिस नाकाबंदी के समय करती है, आप सोच सकते हैं, लेकिन ये सब आपकी सुरक्षा के लिए ही है। दरअसल मेन गेट में एंट्री करने से लेकर बाहर जाने तक जो भी कायदे कानून बनाए गए हैं वो आपके, आपके वाहन और हमारे परिसर की सुरक्षा के लिए ही हैं। कोका कोला ने गाड़ियों के लिए कुछ मानदंड तय किए हैं और यहाँ आने वाली हर गाड़ी उन मानदंडों पर खरी उतरनी चाहिए। सीट बेल्ट, रिवर्स अलार्म और मिरर्स के साथ साथ ये भी जरूरी है कि गाड़ी की कंडीशन अच्छी हो ताकि सड़क पर किसी किस्म की तकलीफ ना आए। इसके अलावा यहाँ आपका ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र सही है या नहीं ये भी देखते हैं। साथ ही इस बात पर भी नजर रखी जाती है कि कहीं आपने मादक पदार्थ का सेवन तो नहीं किया है। खाना बनाने वाला स्टोव, केरोसिन का अतिरिक्त कैन, माचिस जैसे ज्वलनशील आइटम्स सिक्योरिटी गेट पर ही जमा करना जरूरी है। यदि ऐसा सामान आपके पास परिसर में पाया गया तो आप पर जुर्माना लग सकता है। और यदि आप पहली बार आए हैं तो यहीं पर आपको ये भी बता दिया जाता है कि आपको अपनी गाड़ी कहां पार करनी है और कैसे पार करनी है। ध्यान रहे, इस गेट में एंट्री करने के बाद आपकी गाड़ी की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गेट से अंदर आने के बाद अपनी गाड़ी को एहतियात से सही जगह पर पार्क करें ताकि आपसे पहले यदि कोई गाड़ी आने या जाने वाली हो तो उसे किसी किस्म की दिक्कत ना हो। पार्किंग बे में पीले रंग से बने हुए बॉक्सेस में ही अपनी गाड़ी पार्क करें। और रिवर्स लेते वक्त एहतियात बहुत जरूरी है। बिना क्लीनर की मदद के रिवर्स कभी ना करें। और एक खास बात, अंदर जाने के बाद यदि आपकी गाड़ी को लोड या अनलोड करने में थोड़ा वक्त हो तो आप लोग अपनी गाड़ी में ही रहें, कृपया बाहर यहाँ वहाँ ना घूमें। लोड या अनलोड करने के लिए जब फोक लिफ्ट पर सामान लाया जाए तो वो सही तरीके से स्टॉक किया जाना चाहिए, कुछ इस तरह। ये इसलिए क्योंकि फोक लिफ्ट ऑपरेटर को रास्ते में आने वाले लोग दिखाई नहीं देते हैं। वेयर हाउस में पेडेस्ट्रियन पाथ बनाए जाते हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करना लाभदायक होता है। इससे अकारण दुर्घटना की संभावनाएं पैदा ही नहीं होती। वेयर हाउसेज में आप लोगों के लिए पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी इसलिए होता है ताकि आप हर हाल में सुरक्षित रहें। सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करना या उन्हें नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए ये आवश्यक है कि पेडेस्ट्रियन पाथ के लिए की गई पीले रंग की मार्किंग्स का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। पेडेस्ट्रियन पाथ के साथ ही दूसरे साइंस या पोस्टर्स का भी ध्यान रखना जरूरी है। आप जहां काम करते हैं वहां फिसलना, गिरना, ट्रिप हो जाना, ऊपर से या साइड से सामान गिरना या किसी नुकीली चीज से लगने की भी संभावना रहती है।
कभी अपनी तो कभी किसी और की गलती से टक्कर भी हो सकती है। इसलिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के इस्तेमाल को मजबूरी नहीं समझदारी मानिए। ये सही है कि इस इक्विपमेंट को पहनने में वक्त लगता है, पहनकर काम करने में कई बार दिक्कत होती है और काम करने की स्पीड भी थोड़ी कम हो जाती है। डिपो के अंदर काम करते वक्त रिफ्लेक्टिव जैकेट्स और शूज पहनना बहुत जरूरी है। वैसे देखा जाए तो ये सुरक्षा के उपकरण बचने का आखिरी उपाय है। जरूरी ये है कि आप अपने नजरिए और काम करने के तरीके में बदलाव लाएं, ताकि आप जहां भी काम करें सदा सुरक्षित रहें। सचिन की ये हिदायत आप कभी भूलिएगा नहीं। बैटिंग करते समय मैं हमेशा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनता हूँ, ताकि चोट ना लगे। कोका कोला में आप भी छोटी या बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। मेरी सलाह है हमेशा सेफ्टी गियर पहनकर ही काम करें। फोकलिफ्ट को इस तरह स्मूथली घुमाते हुए काम करते देख ये बच्चों का खेल लगता है, मगर यकीन मानिए है नहीं। इस तरह से चलाना प्रोफेशनल और वेल ट्रेंड ऑपरेटर्स के ही बस की बात है। दरअसल फोकलिफ्ट ऑपरेशंस को हाई रिस्क वर्क माना गया है। हर फोकलिफ्ट ऑपरेटर के लिए ये जरूरी है कि जब भी वो काम पर आए सबसे पहले अपने फोकलिफ्ट को चेक करें, उसका सीट बेल्ट ठीक है या नहीं, उसका हॉर्न, वार्निंग लाइट्स और हेडलाइट्स, रिवर्स या बैकअप अलार्म काम कर रही है या नहीं, फोकलिफ्ट के फोक कहीं बेंड तो नहीं है, उसकी चेन्स कहीं से घिसी हुई या टूटने की कगार पर तो नहीं है, उसके फुट ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, सीट ब्रेक, क्लच, गियर शिफ्ट और स्टीयरिंग ठीक से काम कर रही है या नहीं। फोकलिफ्ट ड्राइवर या ऑपरेटर के लिए जरूरी है कि वो फोकलिफ्ट का लिफ्ट मैकेनिज्म चेक कर ले और ये भी देखे कि वो ठीक से ऊपर और नीचे हो रहा है या नहीं। जिन पैलेट्स का आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो कहीं से टूटे हुए तो नहीं है। चेकिंग करते वक्त आप अपने शरीर का भी ध्यान रखें, पैर पहियों के नीचे ना हो और बेल्ट्स तथा चेन्स चेक करते वक्त अपने हाथों का खास ध्यान रखें। बिल्कुल यही सही तरीका है। अब आप फोकलिफ्ट लेकर काम शुरू करने को तैयार हैं। देख ले कि फ्लोर पर कहीं कुछ सामान तो नहीं पड़ा है आपके रास्ते में, या आप जहां से टर्न करेंगे वहां कोई ऐसी चीज तो नहीं पड़ी है जिससे आपको ड्राइव करने में परेशानी हो। ऊपर कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है जो अवरोध पैदा करे। चलिए अब आप लोडिंग और अनलोडिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि इस फोकलिफ्ट को सेफली चलाना और इसको पूरी तरह कंट्रोल में रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट एक्सीडेंट को आमंत्रित कर रहे हैं आप। फोकलिफ्ट सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों की सैर के लिए नहीं। तय गति से ज्यादा तेज चलाना, खतरनाक तरीके से मोड़ना, फोकलिफ्ट को रेसिंग कार और इस रूट को रेसिंग ट्रैक समझने की भूल कभी ना करें। एक्सीडेंट तो हो ही सकता है, ये जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए जो चीज जिस काम के लिए बनाई गई हो उसका इस्तेमाल उसी के लिए करना चाहिए। पैलेट पर गलत ढंग से या जरूरत से ज्यादा सामान जमाने से लोड ना सिर्फ अनस्टेबल हो जाएगा, ड्राइवर का विजन भी ब्लॉक हो जाएगा और अगर उसे कुछ दिखेगा नहीं तो टकराने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं या ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। स्टॉक किए हुए सामान को पैलेट पर ठीक से जमाना और निकालना जरूरी है ताकि दुर्घटना होने की कोई गुंजाइश ना रहे। हम चाहे कितना भी संभल कर काम क्यों ना करें, मगर गाड़ी पर वेयरहाउस में ताड़पत्री लगाते समय या लोड की गिनती करते समय, यानी जब भी 8 फीट या उससे ऊंची जगह पर काम करें तो फॉल अरेस्टर का उपयोग अवश्य करें। एक बार सामान ठीक से लोड हो जाने के बाद आपका ट्रक तैयार है अपनी मंजिल के सफर के लिए। क्या आप भी तैयार हैं? बेल्ट बांधना मत भूलिए। अपने सीट बेल्ट्स बांधने से पहले एक पल के लिए रुककर सोचिएगा जरूर कि क्या आप सफर के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा और दूसरों की हिफाजत आप ही के हाथ में है।
पूरी दुनिया में हुए हादसों के आंकड़े बताते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में उन लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। इसलिए इसे बेकार की झंझट ना समझें। हम जानते हैं यहाँ आने से पहले आपने अपनी गाड़ी चेक की होगी, मगर जब भी सफर पर निकलें गाड़ी की एक बार पूरी तरह से जांच जरूर कर लें, गियर्स, ब्रेक्स, लाइट, वाइपर्स इत्यादि। आप लोग सालों से गाड़ी चला रहे हैं, यकीन मानिए हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ सिखाएं या समझाएं, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक्सीडेंट होने के कुछ तय कारण होते हैं। स्पीड, थकान और ध्यान सामने सड़क से भटक जाना। अपने से आगे वाली गाड़ी से 4 सेकंड की दूरी हमेशा बनाए रखें। आप हमेशा अलर्ट रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खास तौर पर आंखों का ध्यान तो बहुत जरूरी है। आखिर आंखों और हाथ पैरों के तालमेल से ही तो चलती है गाड़ी। और हाँ, एक और चीज है जो ये सारा तालमेल बिगाड़ देती है, शराब। किसी भी प्रकार का नशा हमारा रिश्ता न सिर्फ सड़क से बल्कि दुनिया से भी तोड़ सकता है। ड्राइव करते वक्त आपको ये ध्यान देना चाहिए कि लगातार ज्यादा देर तक गाड़ी ना चलाएं। 2-2.5 घंटों तक लगातार ड्राइव करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट का विश्राम जरूरी है। याद रखें, जब भी कभी आप विश्राम करने के लिए रुकें, तो इस बात का ध्यान रखें कि सड़क के बीच कभी भी अपनी गाड़ी पार्क ना करें। गाड़ी के नीचे विश्राम हरगिज ना करें। रात के वक्त पार्किंग लाइट्स ऑन करना कभी ना भूलें। कोका कोला में सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं हमारे लोग। अपने लोगों को एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल देना हमारे व्यवसाय की प्रतिबद्धता है, जिसे हम सब जानते हैं। यही वजह है कि कार्यस्थल सुरक्षा हमारी कार्यस्थल अधिकार नीति 2020 विजन रोड मैप का और सकारात्मक जीवन का भी अहम हिस्सा है। यह हमारे मूल्यों और हमारी सफलता का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारे पास हर रोज विकल्प होता है कि सुरक्षित तरीके से काम करना है या नहीं। हम सबको जवाबदेह होना ही चाहिए, हम सबको सही विकल्प चुनना ही चाहिए। हमें काम के लिए कभी भी घायल होने की जरूरत नहीं। याद रखें कि ज्यादातर दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। हमें साथ मिलकर कार्यस्थल सुरक्षा के प्रबंधन का काम उसी तरह करना चाहिए जिस तरह हम अपने व्यापार के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए करते हैं। हम जहां भी काम करते हैं, जहां भी हमारा व्यापार है, हमें सुरक्षित तरीके से काम करने के सही विकल्प को ही चुनना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ जीवन का सही अर्थ है कि हमें हमेशा सुरक्षित रहना है। याद रखिएगा, जान माल की सुरक्षा के अलावा आप पर एक और बड़ी जिम्मेदारी है, अपने परिवार की जिम्मेदारी। इसलिए जब भी गाड़ी लेकर निकलें, याद रखें घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। तो समझ गए ना आप सुरक्षा का महत्व। आपको और आपके परिवार को मेरी शुभकामनाएं। यही अनुरोध है कि सुरक्षा उपायों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।